just me and my guitar. हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी। वेलकम टू यस यू कैन अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट। तो जहां तक मेरा मानना है, अनएम्प्लॉयमेंट कोई नया टर्म नहीं है, सभी इससे परिचित हैं, लेकिन आर्थिक संदर्भ में इसे कैसे समझें ये मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट को हम दो तरीके से बांटते हैं। एक तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट या ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो विकसित देशों में पाई जाती है, और दूसरा वो जो विकासशील देशों में पाई जाती है। ये हमारी सुविधा के लिए है, इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक डिवीजन नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए बांटा है। तो विकसित देशों में सामान्यतः, मैंने कहा सामान्यतः, चक्रीय या फिर संघर्षात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है वो हम आगे डिटेल देखेंगे। ऐसे ही विकासशील देशों में सामान्यतः शहरी प्रकार जो होता है वो औद्योगिक या फिर शिक्षित प्रकार की बेरोजगारी शहरों में पाई जाती है। गाँव में या ग्रामीण जो बेरोजगारी होती है वो सामान्यतः मौसमी या फिर प्रच्छन्न या अन्य प्रकार की बेरोजगारी होती है। इसके अलावा कुछ और भी प्रकार हैं बेरोजगारी के, जैसे कि अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या अन्य बेरोजगारियां। संरचनात्मक बेरोजगारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले मेरे बारे में, चंद्र प्रकाश पात्र, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, एस्पिरेंट एंड ट्राइंग टू बी गाइड, करेंटली वर्किंग एज अ सीईओ। बाकी डिटेल आप देख लें। सबसे पहले मैं बेरोजगारी के बारे में बताता हूँ। तो बेरोजगारी है क्या? बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसपे कोई व्यक्ति, सपोज एक व्यक्ति ए है। ए प्रचलित दर मतलब मान लो ₹100 पर डे मीन्स 8 आवर्स का जो डे होता है, वर्किंग आवर्स। वो अगर वो ₹100 पर डे प्रचलित दर है, मान लो उस दर पर कार्य करने का इच्छुक है, इच्छुक होने के बाद भी उस व्यक्ति को कार्य उपलब्ध नहीं हो रहा है, तब वो क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई व्यक्ति प्रचलित दर पे काम करने का इच्छुक है तब वो क्या कहलाएगा, और अगर उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगार कहलाएगा। सपोज इसका उल्टा करते हैं, एक व्यक्ति जो क्या है, प्रचलित दर पे काम करने का इच्छुक नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, ऐच्छिक बेरोजगार कहलाएगा, वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। सपोज एक व्यक्ति है जो ₹100 में काम नहीं करना चाहता या नहीं कर रहा है, तो वो बेरोजगार नहीं काउंट होगा, उसको ऐच्छिक बेरोजगार बोलेंगे। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमारे काम आएंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले श्रम बल। श्रम बल क्या है? जनसंख्या का वह हिस्सा जो कार्य करने का योग्य भी है और इच्छुक भी है, मतलब वो लोग जो काम करने के योग्य हैं, काबिलियत रखते हैं, उतनी योग्यता है उनमें, कुशल हो या अकुशल हो, और साथ में वो काम करना भी चाहते हैं, इच्छुक हैं। दूसरा है कार्यबल। कार्यबल क्या है? श्रम बल का वह हिस्सा है जो किसी न किसी उत्पादक कार्य में संलग्न है, मतलब श्रम बल का ही ये पार्ट है जिनको रोजगार मिल चुका है। सपोज ये श्रम बल है तो ये कार्यबल है। श्रम बल मान लो 100 लोगों का है तो कार्यबल 40 लोगों का हो सकता है। 100 लोग काम करने के इच्छुक और योग्य हो सकते हैं, उसमें से 40 लोगों को रोजगार मिला है या वो कहीं ना कहीं संलग्न है। ऐसे ही बेरोजगारी की माप। तो आर्थिक समीक्षा जो है वो कैलकुलेशन कैसे करती है कि प्रति 1000 श्रम दिन या 1000 श्रम पे श्रमिकों की संख्या को क्या, किस रूप में व्यक्त करती है? श्रम दिन के रूप में, या बेरोजगारी की माप के लिए वो यूज करती है। कौन? आर्थिक समीक्षा में। देन फिर स्टैंडर्ड वर्स। अब स्टैंडर्ड वर्स कैसे काउंट करेंगे? तो 8 घंटे प्रतिदिन, पर डे 8 आवर्स काम के साथ, कितने दिन? 273 दिन, ठीक है, 273 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे। इसको हम क्या बोलते हैं? एक स्टैंडर्ड ईयर बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड वर्ष बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे दिन, 273 दिन 8 घंटे के रोजगार में है तो उसे हम पूर्ण रोजगार में मानेंगे। अगर वो व्यक्ति 273 दिन 8 घंटे रोजगार में नहीं है तो वो क्या है? पूर्ण रोजगार में नहीं है, ठीक है, पूर्ण रोजगार। देन हम आगे देखते हैं। अब हम आते हैं बेरोजगारी के प्रकार पे। तो बेरोजगारी के प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे विकसित देशों में। तो विकसित देशों में सामान्यतः जो पाई जाती है वो चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या है? ये बेसिकली समग्र मांग में कमी, जैसे मंदी आ गई, तो सामान
के मांग में कमी आ जाएगी। मान लो एक कपड़ा का मिल है, कपड़े की मांग में कमी आएगी। मांग में पहले मांग होती थी 100 की, अब हो गई 50। मान लो 100 को 100 इम्प्लॉयज बना रहे थे, क्योंकि अब मांग कम हो गई है 50, इसलिए कपड़े का जो मिल व्यापारी है या जो कपड़े का मिल का ऑनर है, उसको क्या करना पड़ेगा, अपने खर्च को एडजस्ट करने के लिए इम्प्लॉयज़ की संख्या कम करनी पड़ेगी, जिसको हम छटनी या रिसेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 50 लोगों को रिमूव कर देगा और 50 लोगों को रखेगा। इस तरीके से ये मंदी के कारण या समग्र मांग में कमी के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को चक्री बेरोजगारी कहते हैं। अब चक्री बेरोजगारी क्यों कहते हैं, चक्री बेरोजगारी इसलिए कहते हैं क्योंकि आज रिसेशन है, कल फिर से क्या होगी, जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो फिर से इनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, आज डिमांड कम है तो इनका रोजगार खत्म हो गया, और डिमांड कल के टाइम में बढ़ जाएगी तो इनको फिर से रोजगार मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो रोजगार है या बेरोजगारी है वो चक्री प्रवृत्ति की होती है और ये सर्कल में घूमते रहता है। जैसे 2008 में वैश्विक मंदी आई थी, इसके कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है संघर्षणात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसको आप ऐसा समझना कि एक व्यक्ति है जो रोजगार की तलाश में, उसने एक कंपनी में रोजगार पहले करता था, उस कंपनी से या तो वो निकाल दिया गया, या उसका स्किल मैच नहीं किया, या उसने स्वयं त्याग पत्र दे दिया, या किसी भी कारण से वो इस कंपनी से बाहर निकल जाता है और वो अगले कंपनी बी में ज्वाइन करता है। तो सपोज ए से वो निकला जनवरी में और बी में उसको नौकरी लगते लगते समय आ गया, मान लो जून। ठीक है, जनवरी में उसने रिमूव किया, यहाँ से अपना रिजाइन दिया या वहां से हटाया गया, और जून में उसको दूसरी जगह कहीं और नौकरी मिली। तो जनवरी के से लेके जून तक, मतलब फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जो 4 महीना था, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये जो 4 मंथ था, इस 4 मंथ में वो बेरोजगार रहा है। तो इस बेरोजगारी का जो समय है, इसी को क्या बोलेंगे, घर्षणात्मक, चप्पल घिसना वाला समझ लो, घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगा। तो पढ़ लें, घर्षणात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति रोजगार को छोड़कर, कोई एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि अच्छे रोजगार की तलाश, वर्तमान रोजगार से निकाले जाने पे, या फिर अपनी इच्छा से त्याग पत्र देकर रोजगार छोड़ने पर। दूसरे रोजगार को प्राप्त करने में क्या होता है, व्यक्ति को कुछ समय लग जाता है। तो इस बीच में जो वो बेरोजगार रहेगा वो क्या कहलाएगी, आपकी संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। आगे देखते हैं, अब विकासशील देशों में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है। तो विकासशील देशों में जो एक मेजर कंडीशन है या मेजर कारण है बेरोजगारी का, वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, जब कोई व्यक्ति की योग्यता कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि मान लो एक एक्स इंडस्ट्री है, इसको चाहिए इंजीनियर, ठीक है, लेकिन जो ए और बी व्यक्ति है वो दोनों ने क्या किया हुआ है, MBBS मेडिकल किया हुआ है। ठीक है, तो इनको चाहिए इंजीनियर और इन्होंने किया हुआ है MBBS, तो इनके कार्य की मांग, जो कार्य जिस रोजगार जिसमें अवेलेबल है और जिन्होंने जिसमें इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसमें मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये बेरोजगार है। या फिर ऐसे समझो कि मान लो हमको चाहिए टीचर और लोगों ने क्या किया हुआ है, इंजीनियर। कंडीशन टीचर बनने के लिए ये है कि आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और इन्होंने क्योंकि इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीएड नहीं किया हुआ है, इसलिए इनको हम ले नहीं सकते। मतलब रोजगार के लिए इच्छुक लोग बहुत सारे हैं, लेकिन उनकी योग्यता और रोजगार की मांग या उसकी जो अर्हता है उसमें मैच नहीं हो रहा है, इसलिए ये बेरोजगारी आ रही है। इस प्रकार की बेरोजगारी क्या कहलाएगी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। और ये बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे हम कोई नया टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर लाए तो हमने क्या देखा कि कंप्यूटर के आने के बाद बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनको कंप्यूटर आता नहीं था, या जो सीखना नहीं चाहते थे, या जल्दी नहीं सीख पाए, तो उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। कंप्यूटर के आने से या नई तकनीक के आने से हो सकता है उसका पुराना स्किल, कोई एक व्यक्ति क्या हो सकता है, वो टाइपराइटर में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर के आने से, क्योंकि वो कंप्यूटर का जानकार नहीं है, इसलिए वो उसके अयोग्य हो गया और उसको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो इस प्रकार का जो मिसमैच के कारण होने वाली बेरोजगारी है वो संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। दूसरा कंडीशन है अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी का सीधा सीधा मतलब है, कोई एक व्यक्ति किसी एक फर्म में काम कर रहा है
उसकी कैपेसिटी 100 रुपए कमाने की है या 100 रुपए का रोजगार करने की है, लेकिन उसको किसी कारण से सामने वाला या जो एम्प्लॉयर है वो 80 रुपए का ही काम दे पा रहा है, उसके 20 रुपए के क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार ये क्या है, रोजगार में तो है लेकिन उसको अपने इष्टतम जो योग्यता है उसके हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये अल्प बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर अन्य जो है, एक शहरी प्रकार मैंने बताया था, शहरी बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी सिंपल टर्म में हम देखें तो जो शहरों में सामान्यतः पाई जाती है, ऐसा नहीं कि गांव में नहीं मिलेगी, सामान्यतः जो शहरों में पाई जाती है। तो सबसे पहले औद्योगिक श्रमिकों में, औद्योगिक श्रमिकों में कैसी पाई जाएगी, जब मान लो एक रायपुर हम देख लेते हैं। ठीक है, रायपुर एक छत्तीसगढ़ का कैपिटल है और उम्मीद ये है कि ये क्या होगा, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप होगा, और क्योंकि ये डेवलप होगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो फिर रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, डिमांड बढ़ेगी तो फिर रोजगार का क्रिएशन होगा, ये टेंडेंसी है। लोग क्या करते हैं, उद्योगों में नौकरी पाने के लिए बाहर से आते हैं, लेकिन क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त विकास नहीं हो पाता या अपेक्षित विकास नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन कारणों से औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास नहीं हुआ, नए उद्योग नहीं खुले, नए उद्योगों में नहीं खुलने के साथ साथ पुराने उद्योगों में नए रोजगार की संभावनाएं कम हो गई। इन कारणों से क्या हो गया, जो बेरोजगार होते हैं या बेरोजगारी व्याप्त होती है वो औद्योगिक श्रमिकों में पाई जाने वाली या फिर औद्योगिक बेरोजगारी कहलाएगी। देन शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, अगर आपकी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, मैंने बताया कि मान लो आपने क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ा, प्लस फिर 3 साल का BSc कर लिया, प्लस आपने 2 साल का MSc कर लिया, उसके बाद पता चलता है कि आपने टोटल कितना 17 साल खर्च किए। खर्च करने के बाद आपको कुछ भी रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड किसकी है, इंजीनियर की है, या फिर हो सकता है मार्केट में डिमांड डॉक्टर की है। तो क्योंकि मार्केट के हिसाब से या जो बाजार है, रोजगार एम्प्लॉयर्स हैं उनकी मांग के हिसाब से हमारी शिक्षा जो है वो नहीं चल पा रही है, या हमारी शिक्षा व्यवस्था रोजगार परक नहीं है, इस कारण से बहुत सारे लोग शिक्षित तो हैं लेकिन वो बेरोजगार होते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है ये शिक्षित बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है, और ये राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, गंभीर समस्या होता है। इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों ने क्या किया, शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि उनको रोजगार मिले। अगर शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो ये क्या है, बहुत ज्यादा घातक स्थिति है। और आप विश्व में देखेंगे, विश्व इतिहास में जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए हैं उन सब के पीछे युवाओं का हाथ है, मतलब मैक्सिमम युवाओं ने क्रांति और बहुत सारी चीजें की, और इनका मूल कारण यही था कि इनको रोजगार नहीं मिला। आप भारत की आजादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन देख लो, मध्य वर्ग ने किया, और अन्य जो भी आंदोलन है वो आप देखेंगे वो सब मध्य वर्ग ही कर रहे हैं। अभी हाल में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन में भी जो किसान के बच्चे हैं वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एजुकेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी, तो ग्रामीण बेरोजगारी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं, एक तो मौसमी और दूसरी प्रच्छन्न। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, जैसे कृषि, कृषि में आप कब से कब तक, मान लो जुलाई में बरसात चालू होती है से लेके दिसंबर में फसल कट जाता है, तो यहाँ तक आप रोजगार में संलग्न होते हैं। उसके बाद जनरली हमारे यहाँ टेंडेंसी ये है भारत में कि हम एक फसली फसल ही लेते हैं, बहुत कम क्षेत्र में जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है वहाँ पर ही 2 फसल होती है, अदरवाइज हम एक फसल लेते हैं। एक फसल लेते हैं तो हम केवल जुलाई से लेके दिसंबर तक कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, देन फिर दिसंबर से लेके हम अगेन जून तक बेरोजगार होते हैं। तो ये कंडीशन जो है वो मौसमी बेरोजगारी, मतलब हम वर्ष के किसी एक खास समय तक रोजगार में होते हैं, उसके बाद फिर हम बेरोजगार हो जाते हैं। इसके अलावा और भी व्यवसाय हैं, जैसे पर्यटन है, होटल व्यवसाय है, भोजन का प्रबंध करने वाले जो हैं, शादी वगैरह के जो मैनेजमेंट करते हैं उनका है, क्यों, क्योंकि शादी हमेशा होती नहीं है, वो जनरली जो मुहूर्त होते हैं उस समय या फिर गर्मी के समय में जनरली होती है। तो इन कारणों से ये सब मौसमी बेरोजगार होते हैं। इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये है कि व्यक्ति रोजगार में संलग्न तो है लेकिन वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक खेत है, इस खेत में अगर मान लो ये 1 एकड़ का खेत है, ठीक है, इस 1 एकड़ के खेत में किसी परिवार के 10 मेंबर शामिल हैं। 10 मेंबर शामिल होने के बाद ये मान लो 20 क्विंटल धान उगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी 1 एकड़ खेत में
10 की जगह 8 लोगों को शामिल करते हैं, 2 लोगों को हटा देते हैं। तो हटाने के बाद भी हमको पता चलता है कि अब उत्पादन 20 क्विंटल ही है, मतलब उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है कि ये 20 क्विंटल उपजाने के लिए 8 लोग पर्याप्त थे, ये जो 2 लोग दिख रहे हैं वो हमको एक्स्ट्रा हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये 2 लोग क्या है, शामिल तो है रोजगार में, रोजगार में शामिल दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार हैं। उनके रोजगार में सम्मिलित होने का उत्पादकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसको जीडीपी की थ्योरी भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि देश की जीडीपी में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बेरोजगार है। ठीक है, इसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। आगे देखते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं बेरोजगारी के भारत में। तो बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, धीमी आर्थिक वृद्धि। मैंने पहले ही बताया हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है, औद्योगिक जो विकास है वो सही नहीं हो पा रहा है, परिवहन, संचार, ये सब सुविधाएं धीरे धीरे विकसित हो रही हैं। श्रम शक्ति में वृद्धि, जनसंख्या तेजी से बढ़ी, पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ी। तेजी से पॉपुलेशन बढ़ेगा तो श्रम शक्ति भी बढ़ेगी, और श्रम शक्ति बढ़ेगी तो उसकी तुलना में रोजगार के अवसर जो है वो कम होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। सामाजिक कारण भी बहुत सारे, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि हुई, और स्त्रियों की शिक्षा में मान लो पहले 100 स्त्रियां शिक्षित होती थी, अब 1000 होने लगी, या 1 लाख होने लगी, या 10,000 होने लगी, तो अब क्या होगा, प्रतियोगिता बढ़ जाएगा। पहले केवल पुरुष काम करते थे, महिला नहीं करती थी, अब महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया, तो अब क्या हो गया, उनसे प्रतियोगिता होने लगी। तो इस प्रकार से बेरोजगारी की जो स्थिति है वो और बढ़ गई। पहले मान लो 100 मेल थे और 100 फीमेल थे, पहले केवल 100 लोग डिमांड करते थे मेल, अब ये 100 फीमेल भी डिमांड कर रहे हैं, मतलब अब एक्चुअल डिमांड 200 हो गई, ना कि 100। फिर ग्रामीण शहरी प्रवास, तो गांव से लोग क्या करते हैं शहरों की ओर, ये विलेज से जो सिटीज़ हैं वहां पर लोग क्या करते हैं, रोजगार के तलाश में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करने के बाद समझ में आता है कि वहां तो पर्याप्त रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक सिटी जो है वहां की मैक्सिमम कैपेसिटी मान लो 1000 लोगों को रोजगार देने की थी, और उसके आसपास के गांवों से माइग्रेट करके 1100 लोग आ गए, तो ये 100 लोग तो बेरोजगार रह जाएंगे ना। ऐसे ही अनुपयुक्त तकनीक, हम पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, या हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है जिसके कारण हम ज़्यादा उत्पादन कर पाएँ या फिर नए रोजगार क्रिएट कर पाएँ। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली मैंने एक्सप्लेन किया है। आधारिक संरचना के विकास में कमी, ये भी मैंने बताया है। रोजगार की योग्यता में कमी, मैंने बताया कि हमको चाहिए इंजीनियर और सामने वाला केवल BSc करके बैठा है। ठीक है, कौशल का अभाव, इसके लिए हमने कौशल उन्नयन जो प्रोग्राम है वो चालू किया। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी को दूर करने के क्या क्या प्रयास हुए हैं या क्या क्या किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो मैं समझता हूँ वो है कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। हमको यहाँ बहुत ज़्यादा आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। हम पश्चिमी देशों की तुलना में अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे हैं, एकदम पिछले परंपरागत तरीकों से हम कृषि और पशुपालन और अन्य जो मत्स्य पालन, अन्य व्यवसाय हैं, डेयरी व्यवसाय है, इनका हम सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसको अपग्रेड कर दें तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हद तक सुधर जाएगी। देन फिर कुटीर उद्योग, भारत सरकार भी चाहती है कि अधिकांश जो लोग हैं वो कुटीर उद्योगों में संलग्न हो। जैसे आज आप देखेंगे आपको ईबे में या फ्लिपकार्ट में आपको क्या दिख जाएंगे, गोबर के कंडे बेचते हुए दिख जाएंगे, पापड़ बड़ी अचार बेचते हुए दिख जाएंगे, और अन्य ऐसे छोटे छोटे कुटीर उद्योग, जैसे आपका अमूल जो है ये भी छोटा सा एक सोसाइटी के रूप में चालू हुआ था, आपका लिज्जत ऐसी सोसाइटी के रूप में चालू हुआ था, तो कुटीर उद्योग ही थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वहां से ये बढ़े हैं। तो ऐसा ही सरकार भी चाहती है और एक अच्छा उपाय है। कौशल उन्नयन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने स्किल इंडिया मिशन चालू किया हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे तो आप कितना भी रोजगार क्रिएट कर लें, अगर आप 1 साल में 1 करोड़ की जनसंख्या बढ़ा रहे हैं और आप 1 साल में केवल 50 लाख क्या कर रहे हैं, रोजगार सृजित कर रहे हैं, तो मिसमैच होगा, 50 लाख अभी लोग भी क्या होंगे, बेरोजगार होंगे। भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी का। सही लाभ जो है 100% सही लाभार्थी को मिलना चाहिए। शिक्षा को रोजगार परक बनाना चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, रोजगार के नए अवसर सृजित करना चाहिए, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब बहुत सारी स्कीम्स हमने चलाया हुआ है। ठीक है, आगे हम देखते हैं अन्य। अन्य में क्या है, प्राकृतिक बेरोजगारी की दर। तो प्राकृतिक बेरोजगारी की दर कुछ अन्य नहीं है, इसमें संघर्षात्मक और संरचनात्मक बेरोजगारी, जो हमने 2 प्रकार की बेरोजगारी देखी थी, एक संघर्षात्मक जो सामान्यतः विकसित देशों में पाया जाता है,
और दूसरा हमने देखा था संरचनात्मक, जो सामान्यतः विकासशील देशों में देखा जाता है। इन दोनों का अगर हम जोड़ दें, इनका सम करें, तो हमको क्या मिलता है, प्राकृतिक बेरोजगारी की दर। ये ऐसी बेरोजगारी है जो नेचर जनरेटेड है, ठीक है, इस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो एक इंजीनियर है, उसने इंजीनियरिंग की और आज के टाइम में अगर वो इंजीनियर बनता है या इंजीनियर के रूप में काम करता है तो उसकी सैलरी होती है मान लो 50,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन वो इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पाया और वो कहाँ संलग्न हो गया, मान लो वो एक टीचर बन गया और उसको एज ए टीचर 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिल रही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इन दोनों सैलरीज में अंतर कितना है, 30,000 रुपये पर मंथ। तो ऐसी स्थिति में क्या इस व्यक्ति को, मान लो ए व्यक्ति है, क्या इस ए व्यक्ति को हम रोजगार में कहेंगे? तो ऐसा नहीं है, हम इस व्यक्ति को रोजगार में तो बोल सकते हैं लेकिन पूर्ण रोजगार में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, 50,000 की कैपेसिटी है। ये 50,000 का प्रोडक्टिविटी करने के लिए क्या हुआ है, ट्रेंड हुआ है, और ये कितना अर्जित कर रहा है, 20,000 अर्जित कर रहा है। 20,000 को हम ये उत्पादकता के टर्म में हम देखेंगे, हम ये कहें कि अगर GDP में उसने सकारात्मक योगदान नहीं दिया या फिर जितना उसको देना चाहिए था, अगर 100 देना चाहिए था और उसने अगर 90 दिया तो 10 रुपये का उसने लॉस कराया, उसने प्रॉफिट नहीं कराया। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, रोजगार में संलग्न तो है लेकिन पूर्ण रोजगार में नहीं है, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, वेलकम टू यस यू कैन, और प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।